ये आंटी है, नसीम नाम है इनका, नसीम खातून, नसीम खातून नाम है इनका। और इनकी एक छोटी सी झुग्गी थी, पंचीलाल में वो भी गवर्नमेंट ने तोड़ दी। उनको कुछ मुआवजे नहीं मिला। और फिर इस मकान में ये रहते हैं पिछले कई सालों से। इसका 3,000 रुपये किराया पहले दे देते थे, क्योंकि हमारी आंटी काम करती थी, बाबूजी काम करते थे, ये लोग काम करते थे। भाई पिछले सालों से इस हाल में है। ये तो इनका भाई इनका खत्म हो गया। ऑपरेशन हो चुका है और 34 टाके इनके सर में लगे हुए हैं। एक लड़का इनका है, उसका वो उस दुनिया में नहीं है। एक बेटा है, वो रिक्शा चलाता है, थोड़ा बहुत इनको 100-200 रुपये देता है। आंटी कितना मजबूरी है ये बताओ आप। बहुत मजबूरी है। एक लड़का मेरा कुंवारा है, वो क्या नाम जाता है चौक पे, वापिस आ जाता है। अगर काम मिल जाता है तो करे आता, नहीं तो नहीं। इस टाइम काम नहीं है ना, सारी फैक्ट्री सील कर दी। आंटी एक बेटे की आपकी पहले मौत हो चुकी है। हाँ, और ये इस कंडीशन में है, ये तो ये इस कंडीशन जिंदा में जिंदा है, लाश, जिंदा लाश। अब इसके बारे में कहीं जा भी नहीं सकती जी, ना कोई ये पानी पिला सकते हैं, ना दवाई खिला सकते हैं। बस मैं बंधुआ हो रही हूँ, जी क्या करूँ। तुम्हारी आंखों के सामने आपका बच्चा इस हाल में है, क्या मैं क्या दिल कभी तो वही उसको नहीं भूल पाए। अब दूसरा ये हो गया जी, जी तीसरे ये बैठे हुए हैं, चौथा वो है, किसी काम का नहीं है। अब मैं कुछ करूं किसी का तो मुझसे भी नहीं होता। मैं भी गोलियां खा खा के चलती हूँ, दर्द शरीर में, दर्द के लिए दर्द। ऐसा भी होता है कि फाके होते हैं आपके घर में। हाँ जी, कुछ नहीं बनाया रात को, अभी चाय नहीं बनाएगी मैंने, देख लो। रात से, 2 अंडे लाई थी, उबाल के इसको खिला दिए मैंने। रात से अब तक आपने अभी कुछ नहीं नहीं खाया? बनाया है, पूछ लो मकान मालिक से, कुछ लाई नहीं है मैं, क्योंकि उसके पैसे नहीं भी तोड़ा है। रात से उसके पैसे भी हो रहे हैं ना मेरे पे, सौदा अलग कितनी लूंगी, कितनी शर्म खाएगा। राशन कार्ड वहीं का था। अभी आपके घर में राशन है ही नहीं, देख लो। सब खाली पड़ा है, रेफ्रिजरेटर रखी है इसलिए वो रखा हुआ है। नमक वाले वो दवाइयों का नहीं है, दवाइयों का नहीं है, आटा नहीं है, नहीं कुछ नहीं है मेरे घर में। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में रहते हैं इस सर्दी के मौसम में, मैं दिखाना चाहूँगा इस घर की हालत क्या है। ये सिर्फ एक रोटी, और ये भी पता नहीं कब की रोटी होगी। देख लीजिए, ये अपने अपने महलों में रहने वाले लोग, अपने अपने महलों में रहने वाले लोग, देख लीजिए ये हालत में आपको दिखा रहा हूँ। ये कब से नहीं बना होगा, देखा, कब से नहीं बना होगा, गैस होगा नहीं, आटा तक नहीं है, आटा तक नहीं है इनके घर में। और क्या बताऊँ आपको, कितने कितने दिन हो जाते हैं अम्मा फाके में खाना ना खाए हुए। अब जब ज्यादा ही हो जाता है तो फिर दुकान से ही लेती हूँ, कभी मस्जिद में चले जाते हैं। मुल्ला जी, हम बिहारी कलानी, तो वहाँ से कभी 100-150 मिल जाते हैं। जब भूख बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाती हो, क्या करेंगे बताओ। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, क्योंकि ऐसे लोग ही आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। जवान जवान लड़के अलग रहते हुए और हाल ना पूछें तो बता क्या कहेंगे। तो मकान मालिक से पूछ लेते कि इनके लड़के हैं या नहीं है। हैं जो हमें नहीं करना है तो हमारे लिए तो नहीं है। अब जब आपकी वीडियो चलेगी, सब लोग देखेंगे, फिर आएंगे आपके पास में, अब बोलेंगे आपको आगे, अम्मा क्यों बनवाई वीडियो। नहीं, हमें कोई शर्म नहीं है, उन्हें भी तो एहसास होगा देख के। चश्मा लगाते थे या अखबार पढ़ते थे, वो लड़के का लड़का चश्मा ले गया, उठा के तोड़ दिया, मैंने चश्मा बनवा दे आकर को आंखें बैठ गई। अब हम बनवा ही नहीं पाए इतना चश्मा,
अब ऑपरेशन मतलब एक चश्मा तक नहीं आप बनवा पाए। कितने, कितने दिन से? साल भर होने आ गई। एक साल से आँख खराब हो। बाबूजी हम देंगे आपको चश्मा बनवा के, आपका चश्मा, आपका चश्मा हम देंगे बनवा के। ज्यादा पैसा तो नहीं है हमारे पे, लेकिन जितना भी है उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मदद कर दें। सबसे पहले तो कैसे करके ये बदलवा दो बस, भोगल में बैठ पाऊंगा इसे नीचे के उठी पाओगे आप? तो कोई डॉक्टर बुला लें, कोई डॉक्टर बुला के वो यही बदल जाएगा आपको? मेडिकल रखे ये लगा दे, मैं उठ नहीं पाऊंगा। ले जाना मुश्किल है ना बिल्कुल। मैं यहाँ से वो कुर्सी तक जा पाता गिर उड़ा था, हर हड्डी में दर्द है। हर हड्डी में दर्द है, बहुत दर्द है जी। अंटी जी ज़्यादा तो पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कुछ पैसा भाई के लिए इलाज के लिए आपको दे रहा हूँ, आप अपने घर में राशन भर लेना, इनको दिखा लेना, इनकी जो हालत है वो कर लेना। आंटी जी 10,000 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, आगे लगा देना। ये 10,000 रुपये आपके आपके लिए हैं, आपके खर्चे के लिए हैं, भाई की दवाई के लिए हैं, तो हमसे जितना हुआ हमने अपनी हैसियत के हिसाब से आपको दे दिया, ठीक है? मकान मालिक को दे दे। आप ये आपके पैसा है, ये आपका पैसा है, आप चाहे जिसे जैसे खर्च करें, आप 2,000 दीजिए, आप 2,000 दीजिए, आप 10,000 दीजिए, आप जितना दीजिएगा ये आपका पैसा है। बस रिक्वेस्ट आपसे कि दुआ में आप याद रखें। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। वो माँ हमारे सामने बोली थी कि मैं मुँह छुपा के जाती थी मस्जिद में कि कोई देख ना ले, और आज इस कंडीशन में है कि आज आप लोगों के सामने इनको आना पड़ा। जाना भी नहीं पड़ रहा है, जा भी नहीं पा रहे अब। जो एक दिन जाते थे अपने बैठ जाते थे, मिल जाते थे, नवाजी निकलते थे, कोई 10-20 दे राशन हम दे रहे हैं, हमारी गाड़ी में रखा है राशन का एक कट्टा, उसमें सब चीज़ है, चावल दाल आटा सब चीज़ है, तो वो मैं आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? सपोर्ट करें हमें, क्योंकि हमारे पास भी इतना ज़रिया नहीं है कि हम लोगों को इतना। अब देखिए मकान मालिक ने चाय भेजी है, मकान मालिक ने सुबह से चाय नहीं बनाई थी, अब वो बना रहे हैं, मकान मालिक ने चाय भेजी है, तो ऐसे लोगों की सपोर्ट करो, और ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।